हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो पॉलीमर चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन पॉलीमर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो एडिशन पॉलीमर हो गया और कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था। तो एडिशन पॉलीमर्स यानी कि योग बहुलक किनको बोलते हैं, वो पॉलीमर जिनकी रिएक्शन जब होती है, जिस टाइम उनका फॉर्मेशन होता है, तो कोई भी छोटे मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2O हो गया, H2S गैस हो गई या अमोनिया, किसी भी तरीके के छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ नहीं होते, यानी कि कंप्लीट एडिशन हो जाता है, पूरी तरीके से मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल हैं आपके सिलेबस में, जिनको एक एक नंबर में उनके रिएक्शन भी पूछ ली जाती है या कभी कभी शॉर्ट नोट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले है पॉलीथीन। पॉलीथीन शॉर्ट में PE के नाम से भी आ सकता है, यानी कि पॉलीथीन को पॉलीइथाइलिन भी बोला जाता है, तो ये PE के नाम से भी आ सकता है। तो PE का मतलब पॉलीइथाइलिन या फिर पॉलीथीन ही होता है। तो पॉलीथीन के जो फॉर्मेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो पॉलीथीन जो है ये पॉलीमर बनता है इथीन से। तो किसी भी जो पॉलीमर होते हैं उनका मोनोमर पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे नाम दिया हुआ है पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन, तो उसके नाम के आगे का पॉली हटा दीजिए, बाकी का जो बचता है वही उसका मोनोमर होता है। तो जैसे पॉलीइथाइलिन है, तो पॉलीइथाइलिन का मतलब इथाइलिन इसका मोनोमर है। तो कई सारे इथाइलिन जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीथीन यानी कि पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीथीन जो है इसका मोनोमर क्या है, इथीन। इथीन है मोनोमर। और जितने भी ये पॉलीमर बनते हैं ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में बनते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे जो है बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो कैसे बनता है कि पॉलीथीन इज ऑप्टेंड बाय द एडिशन ऑफ एथीन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। तो यानी कि बेंजोइल परऑक्साइड है वो यहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और उसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो किस तरीके से बनता है, तो इथीन का फॉर्मूला सबको पता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हम N लिखेंगे, N मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को शो करता है, यानी कि जो नंबर ऑफ इथीन की यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो N नंबर शो करता है, N नंबर ऑफ मोनोमर। तो यहाँ पे इथीन के N नंबर ऑफ मोनोमर लेंगे। और बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C6H5COO का होल टू, ये है बेंजोइल परऑक्साइड। तो बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण की अभिक्रिया जो होती है उसमें जो पॉलीथीन बनता है उसको हम इस तरीके से उसके फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होती है और दूसरे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं जाके। तो हम एक यूनिट को शो करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 100 से 1000 जो है वो इथाइलिन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक यूनिट को शो करेंगे ओपन बॉन्ड शो करके और एन लगा देंगे। ये ओपन बॉन्ड शो करते हैं कि इसमें और यूनिट्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। एन लगा हुआ, एन का मतलब यहाँ पे अगर 100 है तो 100 का मतलब 100 इथाइलिन इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है पॉली इथाइलिन यानी कि पॉलीथीन। टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट में पॉलीथीन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक पॉलीथीन होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि LDPE के नाम से, LDPE HDPE के नाम से आ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। LDPE का मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन, और HDPE का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी कि अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन। तो जो LDPE यानी कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये हाई प्रेशर पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो जो पॉलीथीन जो है हाई प्रेशर पे बनाई जा रही है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन कहलाती है, और जिसको कम प्रेशर पे बनाया जा रहा है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहलाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर ऑफ 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर 350 केल्विन to 570 केल्विन। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो इट इज़ ऑप्टेंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 330 to 350 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे कम प्रेशर पे जो बनाई जा रही है पॉलीथीन वो
हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहलाती है, और जो ज़्यादा प्रेशर पे बनाई जाती है वो कहलाती है लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके बाद है यूजेस, इनके यूजेस पूछ लिए जाते हैं, एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं। तो फॉर कोटिंग वायर्स एंड केबल्स, मतलब पॉलीथीन का जो यूज़ है वो तार होते हैं, जो केबल होती हैं उनकी कोटिंग करने में इनका यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग किचन एंड डोमेस्टिक अप्लाइंसेस बॉटल्स, मतलब जो किचन के बर्तन हो गए प्लास्टिक के, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हो गए घरेलू जो बर्तन वगैरह यूज़ किए जाते हैं, बॉटल हो गए, टॉय हो गए, पाइप्स हो गए, उनको बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। थर्ड है मेकिंग पैकिंग शीट्स एंड बैग, मतलब मोस्टली जो आपने देखा होगा कि पॉलीथीन के जो है पैकिंग शीट बनाई जाती है, जो पॉली बैग बोले जाते हैं, पॉली बैग बनाने में मोस्टली इनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो था पॉलीथीन। पॉलीथीन के बाद है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन को PS से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PS के नाम से अगर आ जाता है यानी कि वो पॉलीस्टायरीन है। तो यहाँ पे भी पॉलीस्टायरीन का मोनोमर पहचानने का तरीका कि आप नाम के आगे से पॉली हटाएंगे क्या बचेगा, स्टायरीन, तो यानी कि पॉलीस्टायरीन का मोनोमर क्या है, स्टायरीन, ठीक है। तो पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए क्या करते हैं कि स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में स्टायरीन का बहुलीकरण जब होता है तो बनता है पॉलीस्टायरीन। तो इसके लिए क्या है कि पॉलीस्टायरीन का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, तो ये है, मतलब आप यहाँ पे चाहें C6H5 की जगह बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं, तो बेंजीन रिंग के साथ में इथाइलिन लगा हुआ है, और N नंबर हम यहाँ पे लेंगे स्टायरीन के, तो N नंबर जब हम स्टायरीन के लेंगे तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो डबल बॉन्ड है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और उसके बाद ओपन बॉन्ड में शो करके उनके N नंबर ऑफ मोनोमर, मतलब यानी कि एक यूनिट दिखा के हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये भी बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हम लिख देंगे बेंजोइल परऑक्साइड पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस। तो ये जो फॉर्मूला है इसको एज इट इज़ लिख देना है, बस खाली जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में लिखना है, क्योंकि आपको जो मैकेनिज्म बताई थी मैंने पहले ही, उसमें क्या है कि जो डबल बॉन्ड होती है उसकी वो शेयरिंग आपस में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ते हैं। तो ये इस तरीके से ओपन बॉन्ड करके आपको एक यूनिट दिखा देनी है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये जो रिएक्शन है वो है पॉलीस्टायरीन की। पॉलीस्टायरीन के यूजेस यानी कि एप्लीकेशन जो हैं क्या है कि इन मेकिंग रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर पार्ट्स, मतलब जो टीवी है, रेडियो है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के पार्ट्स जो बनाने में यूज़ किया जाता है, लेंस, कॉम्ब, बटन, टॉयज बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। थर्ड है PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी शॉर्ट नोट में पूछ ली जाती है काफ़ी, तो इसका जो मोनोमर है वो क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला जो है मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ये आप पढ़ते जा रहे हैं इनमें सब में इथाइलिन जो है आपको दिखेगा। तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है कि इथाइलिन के साथ में क्लोरीन लगा रहता है, तो ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे हम विनाइल क्लोराइड के, ये भी रिएक्शन सेम बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होगा विनाइल क्लोराइड का, एंड जो डबल बॉन्ड है उनको हम उनकी बॉन्डिंग एक बॉन्ड की ब्रेक करके शो करेंगे इस तरीके से, ओपन बॉन्ड लगा के एन लगा देंगे, यानी कि विनाइल क्लोराइड की एक यूनिट को हम शो करेंगे, एक मॉलिक्यूल को शो करेंगे, और ये है PVC का फॉर्मूला। PVC का यूज़ तो मोस्टली सबको पता ही होगा, PVC इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर, साइकिल, मोटर साइकिल, मडगार्ड। तो जो टायर हैं वो टायर बनाने में इनका यूज़ करते हैं, मडगार्ड्स बनाने में यूज़ करते हैं, रेनकोट्स बनाने में यूज़ करते हैं, कर्टन हो गए, टॉय, कर्टन मतलब पर्दे, टॉय, खिलौने, सेफ्टी हेलमेट, इनको बनाने में PVC का
मोस्टली यूज़ होता है। तो ये तो था पीवीसी। पीवीसी के बाद टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यानी कि टेफ्लॉन का दूसरा नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, यानी कि ये PTFE के नाम से भी आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी सा इसका फॉर्मूला है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है वो टेट्रा, मतलब इसका जो मोनोमर होता है वो होता है टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। तो इथाइलिन का फॉर्मूला तो सबको पता है कि CH2 CH2 होता है। अब इथाइलिन के साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं टेट्रा फ्लोरो। टेट्रा फ्लोरो का मतलब चार फ्लोरो। तो चार फ्लोरो लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाएंगे, फ्लोरीन, CF2 CF2। ये है टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। तो यहाँ पे हम एन नंबर ऑफ टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन के लेंगे। इसकी भी रिएक्शन जो है वो बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, पॉलीमराइजेशन होगा और जो डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग है उसमें से एक बॉन्डिंग ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके दोनों तरफ ओपन बॉन्ड लगा के आपको शो कर देना है नंबर लगा के। तो ये है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको PTFE भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पांच नंबर में सिर्फ रिएक्शन या फॉर्मूले ही लिखने के लिए आ जाते हैं और शॉर्ट में ही लिखा होता है उनका नाम कि आपको PTFE का फॉर्मूला लिखना है या आपको PE का लिखना है या PS का लिखना है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नाम किसका है, किसकी क्या फुल फॉर्म है। तो ये चार एग्ज़ाम्पल थे आपके सिलेबस में जो कि एडिशन पॉलीमर के थे। इसके बाद है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो रिएक्शन होते टाइम इनसे जो है छोटे मॉलिक्यूल, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे कि वाटर हो गया या अमोनिया हो गया, छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होते हैं रिएक्शन होते टाइम। तो उनको हम कंडेंसेशन पॉलीमर यानी कि संघनन बहुलक कहते हैं। तो सबसे पहले है नायलॉन 6-6। तो नायलॉन 6-6 जो है ये एक पॉलीएमाइड है क्योंकि इसमें एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये को पॉलीमर है। को पॉलीमर का मतलब क्या कि जैसे जो अभी तक आपने एडिशन पॉलीमर पढ़े थे उनमें सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर थे, सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के, यानी कि दो टाइप के मोनोमर हैं नायलॉन सिक्स में। तो इस वजह से इसको हम को पॉलीमर यानी कि सहबहुलक भी कहते हैं। तो इसके दो मोनोमर जो हैं वो हैं, एक है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और एक है एडिपिक एसिड। तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड दो मोनोमर हैं नायलॉन 6-6 के। और इसमें आप देखेंगे एक आपने फार्मूला नायलॉन 6 भी सुना होगा, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं बता रही हूँ। और एक फार्मूला, एक नाम है नायलॉन 6-6। तो नायलॉन 6 और नायलॉन 6-6 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं नायलॉन 6-6 में दो इसके मोनोमर हैं और दोनों ही मोनोमर में छः छः कार्बन एटम होते हैं। छः छः कार्बन एटम प्रेजेंट होने की वजह से ही इसके नाम के आगे नायलॉन 6-6 लिखा गया है। इसी तरीके से जो नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 का मोनोमर सिर्फ एक ही होता है कैप्रोलेक्टम नाम का, तो उस कैप्रोलेक्टम में सिर्फ छः कार्बन होते हैं, तो इस वजह से उस नायलॉन के साथ में सिर्फ नायलॉन 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नायलॉन 6-6 का मतलब ये हो गया कि जो हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन है इसमें भी 6 कार्बन एटम है और जो एडिपिक एसिड है उसमें भी 6 कार्बन एटम है। तो मैं इनके फॉर्मूले लिखती हूँ फिर आपको और क्लियर बताती हूँ। तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, तो सबसे पहले हमें हेक्सा मिथाइलिन, क्योंकि IUPAC आपको बता चुकी हूँ तो आपको पता भी होगा कि हेक्सा का मतलब 6 और मिथाइलिन मतलब 6 मिथाइलिन ग्रुप, डाइएमीन मतलब दो एमीन ग्रुप। तो हम दोनों तरफ दो एमीन ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। ये एन नंबर लिया तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि 6 कार्बन एटम है। ये है हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 का होल 4 COOH। तो ये है एडिपिक एसिड।
तो इसमें भी आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सिक्स कार्बन एटम है, चार तो ये हो गए और पांच छः, तो सिक्स कार्बन एटम यहाँ प्रेजेंट है, सिक्स कार्बन एटम हेक्सामेथाइलिन डायमीन में प्रेजेंट है, तो इस वजह से दोनों में सिक्स सिक्स कार्बन एटम जो है वो इसके नाम में शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर होने की वजह से इसमें क्या होता है कि छोटे मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। छोटे मॉलिक्यूल से मतलब कि यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा, किस तरीके से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होगा, OH ग्रुप यहाँ से रिलीज़ होगा और OH ग्रुप यहाँ से। तो आपको मालूम है कि वाटर जो है वो H2O फार्मूला किससे बनता है, H और OH से, तो NH2O मॉलिक्यूल, क्योंकि कितने भी यहाँ पे N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हेक्सामिथाइलिन डायमिन के लिए, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एडिपिक एसिड से लिए हुए हैं, तो N नंबर मॉलिक्यूल ही वाटर के भी रिलीज़ होंगे, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला बनाने का तरीका सिंपल सा इतना है कि यहाँ से H हटा देना है, यहाँ से H हटा देना है, यहाँ से OH और यहाँ से OH हटा देना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से H हट गया क्योंकि बॉन्डिंग जो है कैसे भी दिखा सकते हैं आप, NH भी लिख सकते हैं या फिर HN भी लिख सकते हैं, CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया है तो इसलिए NH बचा हुआ है, यहाँ से OH ग्रुप हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, CO, उसके बाद CH2 का होल फोर, यहाँ से भी सिर्फ OH निकल गया, CO बचा हुआ है, CO दोनों तरफ ओपन बॉन्ड करके N लगा के दिखा देना है। ये है नायलॉन 66 का फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है, कुछ भी नहीं, बस आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं, और दो फार्मूले याद रखने के बाद इससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ से निकाल देने और यहाँ से OH दोनों तरफ से निकाल देने, बाकी का कम्प्लीटली जोड़ देना, कम्प्लीटली फार्मूला जुड़ा हुआ है और नायलॉन 66 का ये फार्मूला है। तो ये था नायलॉन 66 का फार्मूला। नायलॉन 66 के क्या यूज़ हैं, तो यूज़ में नायलॉन के सॉक्स आते हैं, सबको ही पता है, स्वेटर्स हो गए, साड़ी हो गए, कारपेट्स हो गए, जो टूथ ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं उनमें जो है नायलॉन से ये इनकी मेकिंग होती है, फॉर्मेशन होता है, तो नायलॉन का यूज़ में। उसके बाद है नेक्स्ट बैकेलाइट, बैकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकेलाइट भी शॉर्ट नोट में अलग से पूछ लिया जाता है। बैकेलाइट का दूसरा नाम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी है, तो इसको हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं, ये भी एक कोपॉलीमर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो मोनोमर यूज़ होते हैं, एक है फिनॉल और एक है फॉर्मेल्डिहाइड, तो यानी कि बैकेलाइट के मोनोमर हैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे हम, HCHO, और फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ OH लगाता है, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिनॉल के लेंगे, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ से भी NH2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे या फॉर्मेल्डिहाइड से और फिनॉल से। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको चार बेंजीन रिंग बना लेनी है, बेंजीन रिंग बनाने के साथ इसमें फिनॉल के लिए OH भी लगा देने हैं चारों तरफ, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल और ये हो गया फिनॉल। अब इनको सबको आपस में मिथाइल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर देना है, मिथाइल ग्रुप के साथ लगा देना है और इनके चारों तरफ ओपन बॉन्ड शो कर देने हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है आप चार ही बॉन्ड बना के, चार ही बेंजीन रिंग लगा के आप दिखाएं, आप आठ भी दिखा सकते हैं, छः दिखा सकते हैं, कितने भी दिखा सकते हैं, ये ओपन बॉन्ड शो करते हैं कि इस तरीके से और भी इसमें मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये
एक जाल टाइप का एक 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी कहलाते हैं। जो बैकेलाइट होते हैं ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी कहलाते हैं। तो ये है बैकेलाइट। तो इजी है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपका कि फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स पार्ट्स लाइक प्लग्स स्विच बोर्ड्स। तो जो देखे होंगे प्लग हो गए, स्विच बोर्ड्स हो गए, वो इसी बैकेलाइट के बनाए जाते हैं। सेकेंड है फॉर मेकिंग टेलीफोन्स पार्ट्स, रेडियो एंड टीवी पार्ट्स। टेलीफोन के पार्ट हो गए, रेडियो हो गए, टीवी पार्ट्स हो गए, वो भी इसी से बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए भी, यानी जो रक्षी लेपन होता है, रक्षी लेपन में भी बैकेलाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल थे आपके कंडेंसेशन पॉलीमर के, तो जिनकी रिएक्शन और एप्लीकेशंस मैंने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी सिलेबस में दिया हो। तो अभी तक ये जो जितना भी आप पॉलीमर पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सब प्लास्टिक के ही मोस्टली एग्जाम्पल थे। तो प्लास्टिक्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट विच कैन बी मोल्डेड इंटू एनी डिज़ायर शेप। मतलब प्लास्टिक जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जिनको हम हीट देके किसी भी, मतलब सांचे में ढाल के किसी भी तरीके से उनको हम डिज़ायर्ड शेप में, मतलब उनको ढाल सकते हैं। तो उनको हम प्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीथीन हो गए और पॉलीस्टायरीन जो है वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल हैं प्लास्टिक के। तो ये यहाँ पे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है केमिस्ट्री का। तो आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।